राम राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम करेंगे वीवो S1 का FRP बाईपास, वो भी एंड्रॉयड 12। ठीक है, तो कैसे करेंगे FRP बाईपास के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा रीसेट कैसे करना है। अगर आपके फ़ोन में लॉक लगा हो तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, रीसेट करने के लिए जो उसमें पासवर्ड लगा होता है वॉल्यूम अप प्रेस करना, वॉल्यूम अप एंड पावर की। ठीक है, कुछ सेकंड तक वॉल्यूम अप दबाएंगे एंड पावर की प्रेस करेंगे। ओके, वीवो का लोगो आएगा ये देखिए, और जो है हमारा रिकवरी मोड में जाना, वॉल्यूम डाउन करना है, वॉल्यूम डाउन करेंगे एंड पावर की प्रेस कर देंगे। ओके, तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, पासवर्ड आता है, तो आपको कंप्यूटर से ही अनलॉक करना पड़ेगा। कंप्यूटर की वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, पर ये एंड्रॉयड 12 है तो ये इजीली वाइप डाटा हो जाएगा। देखिए क्लियर डाटा, ठीक है, यहाँ से आप क्लियर डाटा करोगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा क्लियर डाटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पासवर्ड बिल्कुल नहीं मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पासवर्ड नहीं मांग रहा है, फिलहाल मैं करूँगा नहीं क्योंकि हमारा पहले से ही रीसेट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में सिम लगी हो तो सिम निकाल देना। ठीक है, सिम लगी हो तो सिम निकाल लेना है आपको, क्योंकि सिम से नेट चालू हो जाएगा। तो सिम निकाल के आपको यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेट चालू ना हो आपके फ़ोन में। ओके, तो यहाँ पे स्किप करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और पासवर्ड तीनों में से कुछ भी सेट कर लेना है। ठीक है, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पासवर्ड तीनों में से कुछ भी सेट कर लेना है। अगर तीनों में से सेट ना ही हो तो ये एंड्रॉयड 12 है, अगर सेट हो जाए तो एंड्रॉयड 10 के आसपास होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं, यहाँ पे जो है स्किप कर लेते हैं। हमारे इसमें पासवर्ड सेट तो हुआ नहीं है दोस्तों, तो अब दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखो गूगल अकाउंट मांग रहा है, गूगल अकाउंट हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्ट किया, यहाँ पे अब देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमें याद नहीं है, रीसेट हाथ से कराए तो अब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मांगता क्या है। ठीक है, डोंट कॉपी कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा आपका, टाइम फर्स्ट टाइम करोगे तो ये देखिए, या तो पासवर्ड या गूगल अकाउंट, अगर दोनों चीज़ नहीं पता है जीमेल आईडी डाल सकते हो अगर आपको पता है तो, अगर दोनों नहीं पता है तो दोस्तों टेंशन मत ले, वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ प्रेस करना है, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस एक साथ प्रेस करना है। ओके, सेम टाइम में वॉल्यूम प्लस माइनस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, टर्न ऑन। ओके, यहाँ पे टर्न ऑन कर देना टॉक बैक को, टर्न ऑन। ओके, दोबारा से वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करना है एक साथ। ठीक है, टॉक बैक हमारा ऑन हो चुका है, यहाँ पे उल्टा एल टाइप करना, उल्टा एल। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यूज़ वॉइस कमांड पे क्लिक करना है, यूज़ वॉइस कमांड पे क्लिक करना है। ठीक है, यूज़ वॉइस कमांड पे फर्स्ट क्लिक करेंगे एंड डबल टैप, एंड फिर बोलेंगे हम गूगल असिस्टेंट। ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ओपन यूट्यूब। ओके, अब यहाँ पे हमें टॉक बैक ऑफ करना है, टॉक बैक ऑफ कैसे करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ फिर से प्रेस करेंगे, हमारा टॉक बैक ऑफ हो जाएगा। ओके, टॉक बैक ये देखिए ऑफ हो चुका है हमारा। ओके, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम जो है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाएंगे एंड यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस में जाएंगे। ओके, यहाँ पे एग्री कर लेते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एड रोम। ओके, ADROM। ओके, यहाँ पे सर्च करते हैं एड रोम, फर्स्ट साइट हम ओपन करेंगे। अगर दोस्तों आपका यहाँ एड्रोम ओपन नहीं होता है, फर्स्ट साइट ओपन नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जैसे कि आप टच कर रहे हो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे गूगल डाल लेना। ठीक है,
गूगल डाल लेना है। गूगल डालोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एड रोम डाल लेना, ठीक है। एड रोम या वी एन रोम दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो, सेम है, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सेट स्मार्ट स्मार्ट लॉक, ठीक है। यहाँ पे लॉक लगाएंगे, हम लॉक लगाएंगे, अलाउ कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब क्या करना है, अलाउ, अलाउ किया। यहाँ पे हम पिन डालते हैं 1 2 3 4, या तो आपको जो ठीक लगे वो डाल सकते हो, 00 या 1 2 3 फोर, एनी थिंग डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो इससे होगा नहीं, ओके। देखो हाँ हो गया। अब ये हम एक बार लॉक करके फिर देखते हैं कि नहीं हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा से करके देखते हैं कि होता है नहीं होता। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए, तो फिर से करके देखते हैं, अलाउ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से मांग रहा है ये, ठीक है। अगर ये दोबारा से आप टच करोगे तो सेट स्क्रीन लॉक ओके आएगा, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जो है 1 2 3 4 डाल रहे हैं, नहीं हो रहा है, ओके। तो अभी क्या करना है, हमें जाना है सेटिंग में, ओके। यहाँ पे है सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद गूगल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है, सिस्टम मैनेजमेंट, ओके। सिस्टम मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में जो है लास्ट सेकंड नंबर बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करेंगे, रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ओके। रीसेट ऑल सेटिंग, ओके, रीसेट ऑल सेटिंग, ओके, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा रीसेट हो रहा, रीसेट सेटिंग हो रहा, दोबारा से रिस्टार्ट होगा हमारा फ़ोन। तो थोड़ा सा वेट करो दोस्तों। दोस्तों हमारा फ़ोन रीसेट सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर सेट करते हैं, फिर एग्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है, हमारा वाईफाई दोबारा से कनेक्ट कर लेना है, ओके। वाईफाई कनेक्ट करेंगे दोबारा से, उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करना है, ठीक है। वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करना है एक साथ, ठीक है, एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है, ओके, टर्न ऑन कर देंगे। दोबारा से वॉल्यूम प्लस एंड माइनस एक साथ प्रेस करेंगे, ओके। ये देखिए टॉकबैक हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे उल्टा एल टाइप करेंगे दोबारा से, यहाँ पे यूज वॉइस कमांड फर्स्ट क्लिक, फिर डबल टाइप, फिर हमें क्या बोलना, गूगल असिस्टेंट, फिर ओपन यूट्यूब, ओके। गूगल असिस्टेंट, ओपन यूट्यूब, ठीक। अब दोस्तों हम इजी जो है कैसे हैंडल करेंगे इसको, वॉल्यूम प्लस माइनस हम दबाएंगे, टॉकबैक इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ दबाना है, टॉकबैक हमारा ऑफ हो चुका है, ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाते हैं, यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस में जाते हैं, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड रोम, ओके। अब क्या करना है हमें, दोबारा से सेट स्मार्ट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पे अलाउ करते हैं, अलाउ, यहाँ पे पिन डालते हैं, पहले 1 2 3 4 डाला था, मैं 1 2 3 4 ही डाल देता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 दोबारा से मैंने डाल दिया है, वाइट स्क्रीन होगी। अब एक बार लॉक करके चेक करना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों अब लॉक लग चुका है, देखो पासवर्ड हम डाल रहे हैं, खुल गया, ठीक है। पहले हमारा लॉक लग नहीं रहा था। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो अब स्क्रीन स्मार्ट लॉक पे क्लिक करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे, अलाउ करेंगे, ये देखिए ऑल सेट, योर स्क्रीन लॉक इज सेट, ओके, गॉट इट, ओके।
बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं। अब हमसे बैक बैक सिर्फ बैक बैक जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्री कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। यहाँ पे डोंट कॉपी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सेट करा था 1 2 3 4 पासवर्ड, इसी पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या होता है। डोंट कॉपी, ये देखिए स्किप का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे सेट करके एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो पासवर्ड तो सेट है ही हमारा, ये देखो सेट है पासवर्ड। यहाँ पे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, फिर स्किप कर देते हैं, यहाँ पे स्किप करते हैं, यहाँ पे फिर से स्किप करते हैं, यहाँ पे यूज़ नाउ क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने माता पिता का ख्याल रखना, साथ में हमारा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।